अमरावती राजमार्ग पर बसे अतिक्रमणकारियों को नगर परिषद ने मंगलवार को नोटिस बजाते ही अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। बुधवार को नगर परिषद मुख्याधिकारी जुमा प्यारेवाले को जब बसपा और युवक कांग्रेस ने संयुक्त ज्ञापन सौंपा, अतिक्रमण निकालने के पहले दुकानदारों की पर्यायी व्यवस्था करने की मांग की। लॉकडाउन के कारण फुटपाथ व्यवसायी घर पर बैठे थे, अब शुरू होते ही अतिक्रमण का नोटिस आया। अब गरीब व्यवसायी लोग क्या करेंगे, यह सवाल फुटपाथ दुकानदारों ने किया। नगर परिषद ने शहर में मार्केट का निर्माण करने की मांग भी उठ रही थी। वाड़ी नाके से लेकर पुलिस स्टेशन तक अमरावती राजमार्ग पर दुकानदारों ने अतिक्रमण किया है, जिसके कारण यातायात को बाधाएं निर्माण हो रही है। हिंगना विधानसभा युवक कांग्रेस की तरफ से आज सीओ साहब इनको निवेदन दिया गया, जो कल 22/12/2020 को अतिक्रमण पर अमरावती रोड के जो अतिक्रमण पर लोग जो व्यापारी छोटे छोटे व्यापारी बैठे हुए उनको नगर परिषद के तरफ से नोटिस दिया गया कि आपको 3 दिन के अंदर में आपकी दुकानें हटाना है, अन्यथा नगर परिषद के तरफ से आपके ऊपर कार्रवाई की जाएंगी। तो नगर परिषद के सीईओ से आज हमने निवेदन देकर इतनी मांग की कि इन लोगों को, इन गरीब परिवारों पर एक अन्याय करने जैसा इनके ऊपर में होने वाला है, क्योंकि कोरोना के चलते पहले ही बेचारे 3-4 महीने बहुत त्रस्त रहे और आज इनकी गाड़ी कैसे तो भी पटरी पर आने वाली थी कि नगर परिषद के तरफ से फिर इनको नोटिस दिया गया है कि आपको 3 दिन के अंदर में आपकी दुकान हटाना है। तो आज ये छोटे व्यापारी जो कोरोना की वजह से कई लोग बेरोजगार हो गए, कैसे तो भी अपनी छोटी मोटी दुकानदारी, सब्जी की दुकान बोलो, चिकन मटन की दुकान बोलो या पांठेला व्यवसायिक बोलो, कैसे तो भी दुकान पर अपना रोड पर लगाकर अपना परिवार पाल रहा है, उनके ऊपर में ये 3 दिन के अंदर में कार्रवाई करना कहीं तो भी एक अन्याय है कि क्योंकि ये जाएंगे कहाँ, इनके पहले पर्याय व्यवस्था करना था ट्रैफिक विभाग ने या नगर परिषद विभाग ने, जो इनके या हाईवे के विभाग ने, इन्होंने अगर पहले इनकी व्यवस्था की रहती और उसके बाद में अगर इनको हटाया गया रहता तो इनके ऊपर में अन्याय नहीं हुआ रहता। लेकिन आज ये गरीब वर्ग बेचारे, हमारे छोटे जो व्यापारी है, ये लोग हम जाएंगे कहाँ पर, इसके लिए पहले हम सीओ साहब से और ट्रैफिक विभाग से भी विनंती करते कि इनकी कहीं तो भी पहले पर्याय व्यवस्था की जाए और इनको समय दिया जाए, उसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, अन्यथा युवक कांग्रेस इनके साथ हमेशा खड़ी रहेंगी। आज बहुजन समाज पार्टी वाड़ी शहर की ओर से वाड़ी नगर परिषद के माध्यम से दिनांक 22/12/2020 को जो नेशनल हाईवे रोड के ऊपर छोटे छोटे सब्जी धंधा करने वाले और मटन का व्यवसाय करने वाले लोगों के ऊपर जो हाईवे पे जो अतिक्रम ठेले करके अपना जो व्यवसाय कर रहे, उनको वाड़ी नगर परिषद के माध्यम से उनको जो अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया है, उस विषय पे हम वाड़ी नगर परिषद के मुख्य अधिकारी माननीय मुख्य अधिकारी जुम्मा प्यारे वाले इनको हमने निवेदन दिया है और निवेदन के साथों साथ हमने बताया कि गई कई सालों से ये अपना धंधा करके अपना परिवार चलाते हैं। अतिक्रमण निकलने से गरीब फुटपाथ विक्रेताओं के परिवार पर भूखे रहने की नौबत आएगी। न अपने दोनों बात पर ध्यान रखने की मांग पूर्व पार्षद नरेंद्र मेढे ने की। यातायात डीसीपी ने नप को पत्र भेजकर तुरंत अतिक्रमण निकालने को कहा है। नप ने नोटिस देकर स्वयं अतिक्रमण निकालने को कहा है। पर्यायी व्यवस्था के बगैर अतिक्रमण निकाल कर बेरोजगार किया तो आंदोलन की चेतावनी दी गई। मुख्याधिकारी को ज्ञापन सौंपते बसपा के हिंगना विधानसभा अध्यक्ष शशिकांत मेश्राम, वाड़ी शहर अध्यक्ष गौतम मेश्राम, पूर्व नगर सेवक नरेंद्र मेढे, गौतम त्रिपुरे, सुभाष सुखदेवे, वीरेंद्र कापसे, कैलाश गणवीर, सुभाष सुखदेवे, सुखदेव जटाले, युवक कांग्रेस के हिंगना विधानसभा अध्यक्ष अश्विन बैस, ईशान जंगले, गोलू राजपूत, फूल झा, रवि आजित, दुकानदार इरफान खान, साजिद अली, शाहिद खान, अब्दुल नासिर, राजू शेख, जावेद खान, करकराज खान, सोयल खान, सुमित गौतम, वारिश अली, इस्लाम कुरैशी, दानिश कुरैशी, जीतू कारोकार, किशोर पारधी आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। हम वाड़ी के नागरिक यहाँ पे छोटा छोटा व्यवसाय एक रोड के ऊपर किनारे कर रहे हैं और आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं बेरोजगारी की वजह से, और ये बेरोजगारी के अंदर में जो आज हमारे ऊपर में अन्याय हो रहा है, ये जो नगर परिषद कर रही है और ट्रैफिक की तरफ से जो हो रहा है, ये जो हमारे ऊपर में अन्याय हो रहा है, इसके लिए हमको कुछ पर्याय चाहिए, हमको कोई जगह चाहिए, हमको ऐसी कोई स्थायी जगह दे जहाँ हम जाके बैठ सके। वही ना, यही है कि यहाँ पे हम जो बैठे हैं, ये हम जाए कहाँ, करें क्या, आत्महत्या करें, कहीं जाके कूद मरे, जो हमको करना है वो हमको करने नहीं देंगे तो हम जाके करेंगे क्या। आज हमारी खुद की दुकानें हैं, पक्की दुकानें हैं, उसके अंदर में हमको परमिशन नहीं देते कि यहाँ मत बैठो, फुटपाथ पर बैठो, फुटपाथ पर बैठे तो बोलते यहाँ से उठाओ, यहाँ पर घर में जाओ, हम करें क्या।
एक तो मार्केट बना के दो वहाँ बैठ जाए, या तो हमारे दुकानों के अंदर में परमिशन दो, क्या हमको परमिशन है तुम बैठो यहाँ पे तुम्हारे अपने खुद की दुकान के अंदर में तुम वैसा ही कर सकते हो। हाँ, रिसेंटली का उसका कंप्लेंट है, उसके चक्कर में कमर्शियल एरिया है, उसके बाद में भी फिर ये हाल है। हम टैक्स भरते हैं, सब कुछ करते हैं, दारू की दुकान वही रेसिडेंट एरिया के अंदर में, वाइन शॉप पटेल वाइन शॉप उसी लाइन में है, हाँ वहाँ पे बियर बार, वहाँ लॉटरी मंडी वहाँ पे, हाँ इसको बंद नहीं करते हुए सिर्फ मटन मार्केट के लिए, एक चिकन की दुकान के लिए या मटन की दुकान के लिए यहाँ पे पर्याय जगह नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से वाड़ी शहर में आज जो मटन चिकन सब्जी मार्केट या पान ठेले जो लोग अपना पेट पाल रहे थे, इनके ऊपर में प्रशासन ने जो इनके ऊपर में कार्रवाई कर रही है कि 3 दिन में अपनी दुकानदारी बंद करो नहीं तो हम तुम्हारी दुकानदारी बंद कराएंगे, ऐसा प्रशासन उनको नोटिस दिया हुआ है। और ये नोटिस के माध्यम से मैं बहुजन समाज पार्टी के तरफ से मैं ये सब जनता के साथ, हम बहुजन समाज पार्टी इस जनता के साथ में है, अगर इन लोगों को अगर मटन चिकन की जो मार्केट है ये अगर उपलब्ध नहीं करा देता प्रशासन तो हम तीव्र आंदोलन करेंगे और सब जनता के साथ में मिलकर प्रशासन ये नगर परिषद के ऊपर के सामने गेट के सामने आके बैठेंगे। वाड़ी शहरात हाईवे जात असल्यामुळे या ठिकाणी अतिक्रमणाची आणि विशेषतः वाहतुकीची मोठी समस्या होती, त्या अनुषंगाने माननीय DCP साहेबांनी या ठिकाणी मीटिंग घेऊन याचा आढावा घेतल्यानंतर त्यांच्या निर्देशनात आलं की आपल्या हायवेवर छोटे मोठे जे ठेले वगैरेच्या स्वरूपात इन्क्रोचमेंट वाढलेलं आहे, त्या अनुषंगाने माननीय DCP साहेबांनी नगरपालिकेला निर्देश दिले की ते सतत हटवायचे आहेत आणि मोठे जे स्ट्रक्चर आहे ते PWD म्हणजे हायवे अथॉरिटीकडून काढण्यात येणार आहे। त्यामुळे आम्ही वाड़ी शहरातील हे जे हायवे जात आहेत त्यामुळे जे वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणारे जे इन्क्रोचमेंट आहे त्याला 3 दिवसात त्यांनी स्वतः हटवावे किंवा नगरपालिकेकडून आणि पोलीस यंत्रणेकडून ते काढण्यात येणार आहे अशा स्वरूपाचे आम्ही नोटिसेस दिलेले आहेत। तर त्यांना मी आवाहन करतो की त्यांनी स्वतः ते प्रथमतः काढून टाकावे, अन्यथा पोलीस प्रशासन व नगरपालिकेकडून सदर जे असणारे जे छोटे ठेले आहे अस्थायी जे स्वरूपाचे जे इन्क्रोचमेंट आहे ते काढण्यात येणार आहे। वाड़ी से सौरभ पाटिल, NBC News नागपूर।